साथियों, आज हम आपको गुना करना बताते हैं। किसके द्वारा? रेखाखंडों के द्वारा। ये बहुत ही आसान रुचिकर विधि है, इसे जापानी विधि भी कह देते हैं। किस तरह से, देखिए, जिस विद्यार्थी को पहाड़े नहीं आते वो भी गुना कर सकता है। एक उदाहरण लेते हैं, 12 गुना 11। इसलिए करना क्या होता है कि जो 12 अंक है इसको लाइनों से दिखाना है। तो 12 के लिए पहले एक लाइन और 2 के लिए यहाँ पर 2 रेखाएं आप खींचिए, फिर 11 के लिए एक और एक तो लाइन। अब इसमें देखिए, जो ये पॉइंट्स आए ये इकाई को प्रदर्शित करते हैं, कितने हैं गिनिए इनको, 2। ये जो बीच में आता है ये दहाई के अंक, 1 यहां पर है और 2 यहां पर, तो कितने हो गए, 3। और ये जो है ये आपका सैकड़े के अंक को प्रदर्शित करेगा, तीसरा अंक आएगा। इस तरह से 12 गुना 11 कितना आया, 132। अगर आप इसको चाहते हैं वेरीफाई करना तो वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। देखिए, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो ये जोड़ कर ये कितना आएगा, 132। तो देखिए कितनी आसान विधि है, जिस विद्यार्थी को पढ़े नहीं आते वो भी इससे कर सकते हैं। अन्य उदाहरण ले लेकर के देखिए, और अब देखिए कितना फास्ट हो जाता है, यही कार्य फास्ट करते हैं। मान लीजिए आपने 23 को 31 से गुना किया, 23 के लिए क्या करेंगे बताइए आप, 2 लाइनें यहां पर लेंगे और इसके लिए 3 लाइनें नीचे डाल दें, जितनी भी लाइनें, फिर यहां पर कितनी लाइन लोगे बताओ, 3, और यहां पर 1। अब ये देखिए ये क्या होगा, इकाई का अंक कितना होगा, 1 2 3, 3 आ गया। अब नेक्स्ट के लिए ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन ये 11 हो गए। अब 11 के लिए आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं, 1 ले लेंगे इकाई का अंक, और जो 11 का 1 गया वो दहाई का अंक जो था वो आप कैरी के रूप में, हासिल के रूप में आगे ले जाएं और इस पॉइंट को गिन लें, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हो गया और 1 आपकी कैरी आई थी, कितने हो गए, 7। तो इस तरह से ये संख्या आपके पास कितनी आ गई, 713। एक क्वेश्चन ये और चेक करते हैं, देखो 23 को 31 से गुना करके दिखाते हैं, 3 2 3 3 9 3 6, अब जोड़िए 3 और 2 11 7, देखिए 713 है ना, बहुत आसान विधि। आप कोई और एग्जांपल जो आपको अच्छा लगे, बड़ा ले छोटा ले, कोई भी एग्जांपल ले, 3 अंकों की भी हम गुणा इस माध्यम से कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण और लेके देखते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया 44 गुना 32। अब देखिए भाई 44 के लिए क्या करेंगे आप, 4 लाइनें लेंगे, 1 2 3 4, फिर नीचे भी कितनी लेंगे, 1 2 3 4, फिर यहां से 1 2 3 और यहां 2 आपके बन गए ना, ये 32 और ये आपका 44। अब आप देखिए ये आपका इकाई का अंक कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लिख दीजिए, ये अंक आपका दहाई का अंक बनाएगा। तो देखिए इसमें आप पॉइंट गिनिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहां आ गए, 8 यहां, कितने हो गए, 20। अब 20 हो गए तो 20 की 0 तो यहां लिख दीजिए और ये जो 2 है इसे कैरी के रूप में आगे लेके जाइए, इनको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 2 कैरी आ गई थी, 12 और 2 14। इस तरह से आपकी गुना देखिए, 44 गुना 32 किसके बराबर आ गया, 1408। चलिए ये तो आपकी 2 अंकों की गुना हुई। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कीजिए और आपको बहुत ही आनंद महसूस होगा और आप खेल खेल में रुचिकर विधि से जॉयफुल एक्टिविटीज के अंतर्गत इसको कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपने एक संख्या ले ली 131 गुना 121, 3 अंकों की है तो उसी तरह से 3 लाइनें, 1 फिर कितनी, 3 लाइनें फिर कितनी, 1 लाइन, इसी तरह से देखो 1 2
और ये तीन। सबसे उधर वाला पॉइंट आपका पहला आ जाएगा एक। उसके बाद ये दो पॉइंट्स ले लीजिए आप, फिर इन पॉइंटों को लीजिए, फिर तीसरा अंक दे देगा ये पॉइंट आपका, ये और ये लास्ट। इन पॉइंटों को काउंट करते चले जाइए, एक दो तीन चार पांच, इनको गिनिए, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, इनको गिनिए, एक दो तीन चार पांच, और ये कितना एक। तो इस तरह से आपकी गुना आ जाएगी 15,851। इतनी कितना आसान विधि है। तो आपके लिए ये खेल खेल जॉयफुल जिसको एक्टिविटीज कहते हैं उसके अंतर्गत आप कार्य कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। रंग कलरफुल कीजिए इसको, और आप इस तरह से दो अंकों की तीन अंकों की ये जापानी विधि रेखाखंड द्वारा गुना सीख सकते हैं।